नॉर्थ दिल्ली के तिमारपुर में निजी बसों में लगी आग, चार बसें जलकर हुई खाक। सभी बसें खाली थी और पार्किंग में खड़ी थी। मंगलवार सुबह नॉर्थ दिल्ली के तिमारपुर में पेट्रोल पंप और थाने के पास निजी बसों की पार्किंग में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज और ज्यादा थी कि चार बसें आग में जलकर खाक हो गई। दमकल की मुस्तैदी से आग को काबू पाया गया, वरना और ज्यादा बसें जल सकती थी। सभी बसें खाली थी और पार्किंग में थी, इसलिए गनीमत रही लोग सुरक्षित रहे। एक शख्स मामूली झुलसा है, बाकी कोई इंजर्ड नहीं, पर आग का धुआं पूरे इलाके में फैल चुका था। घटना तिमारपुर थाने के पास की है। आग लगी इस पार्किंग के चंद कदम की दूरी पर पेट्रोल पंप है और दूसरी तरफ हजारों झुग्गियां। वक्त रहते आग काबू नहीं होती तो यहां झुग्गियों व पेट्रोल पंप में भी आग लग सकती थी। चश्मदीदों की माने तो यहां खाली जमीन पर बड़ी तादाद में निजी बसें पार्क होती है और पास में ही लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। इससे पहले भी यहां आग लगने की घटनाएं हो चुकी है और दूसरा पहलू ये भी है कि आग इन बसों से तेल चोरी के दौरान भी लग सकती है, पर ये सब जांच का विषय है। अब दमकल विभाग और तिमारपुर थाना पुलिस बसों में आग की घटना की जांच कर रहा है। लेकिन पिछली घटना कुछ महीने पहले की ही है, जिसमें पांच बसें जल गई थी। इस तरह बसें जलने में दुर्घटना के अलावा किसी साजिश की भी बू आ रही है। फिलहाल आग काबू है और कारणों की जाँच जारी है।